चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्व करिए बच्चे वाला क्वेश्चन जल्दी से। जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए मुझे क्या आंसर आएगा। आंसर्स नहीं आए अभी तक, जल्दी से सॉल्व करो बच्चे। ओके, सबसे पहले आंसर हिमांशु ने दिया, बाकी सभी आंसर कहाँ है? खुशप्रीत आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? आंसर नहीं दिख रहे मुझे तुम्हारे, पहले वरना सबसे पहले आंसर करते थे। ओके, ब्रह्मजोत, शशिकांत, सिंपल, सूरज, बाकी सभी आंसर करो बच्चे जल्दी से। प्रभात आंसर करो, प्रिंस, रवि किरण, शशांक, शिवा, सिमरन आंसर करो। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो क्लास में बैठने का क्या फायदा बताइए। अगर आप टाइम कर रहे हो तो यूटिलाइज करो ना उस टाइम को, और मैं बोलूंगी तभी आंसर आएंगे। ओके, ईस्ट ईस्ट ईस्ट, वेस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ। क्या लिखा है? रीटा ट्रेवल 35 किलोमीटर फ्रॉम अ पॉइंट टूवर्ड साउथ। रीटा जो है 35 किलोमीटर जा रही है साउथ की तरफ, तो बना दो भाई ये रही रीटा, 35 किलोमीटर जा रही है और साउथ की तरफ जा रही है। आगे देखो, एंड देन टर्न लेफ्ट, यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट किधर होगा मेरा? साउथ में, इस साइड मेरा लेफ्ट होगा। एंड ट्रेवल 20 किलोमीटर, और कितना ट्रेवल किया उसने? 20 किलोमीटर। आगे देखो, एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, अब ईस्ट से उसने फिर लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट मेरा किस साइड होगा? इस साइड होगा, और कितना चली है? एंड ट्रेवल 35 किलोमीटर, और उसने ट्रेवल किया है 35 किलोमीटर। तो ऑब्वियस है दोनों सेम डिस्टेंस है, तो दोनों सेम जगह एंड होंगे। आगे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट। अब आधे बच्चों ने ना गलती ये कर दी कि उन्होंने ना डायरेक्ट इसकी डायरेक्शन लिख दी, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं कि वहां पर स्टार्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो जब भी बच्चे आपके पास क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट आए ना, जब भी आपके पास डायरेक्ट लिखा होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से बताओ, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हो जाओ और देखो आपकी एंडिंग पॉइंट कौन से डायरेक्शन में है। तो एंडिंग पॉइंट आपका कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है, क्योंकि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है। तो कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन है, दैट मीन्स ईस्ट इज योर करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर? पीयूष साउथ नहीं होगा, मकसूद, सुमेद, प्रभात का सही आंसर है, पायल का सही आंसर है, सूरज का भी, दीपक, अफरोज, नॉर्थ और ईस्ट क्या होता है? कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है? एक आंसर दोगे ना? समझ आया? जब भी क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट लिखा होगा बच्चे, आप स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आपने शुरू किया है वहां पर खड़े हो जाएंगे और वहां से देखेंगे कि आपका एंडिंग पॉइंट कहां पर है। ठीक है, आपके पास पेपर में ना बहुत बार ऐसा क्वेश्चन ही आएगा, सेम यही क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, नीचे स्टार्टिंग पॉइंट लिखा होगा। तभी पहले मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस करवाए हैं जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लिखा था, उसमें डायरेक्ट आपको ना एंडिंग पॉइंट की डायरेक्शन बतानी है। लेकिन जब क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन होगा तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े होकर एंडिंग पॉइंट की डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, एम आई क्लियर? समझ आ गया? अब रिपीट गलती तो नहीं करोगे सेम क्वेश्चंस के लिए? चलिए बच्चे, आप अपनी अटेंडेंस फिल कर लीजिए, आई सेंड द लिंक इन द चैट बॉक्स। ओके, हैव एवरीवन फिल योर अटेंडेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि कितनों को मिलती नहीं है सूरज, फिर वो बार बार मुझे ही मैसेज करते हैं।
चलिए, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट, जल्दी से सॉल्व करिए, बताइए जल्दी से आंसर बताइए. प्रभात, पायल, आंश, विजेंदर, आंसर दो बचे. दीपक, ओके. सबसे पहले आंसर ब्रह्मजोत का है. ब्रह्मजोत आज क्या हुआ तुम्हें, वरना तो तुम्हारे सारे आंसर सही जाते थे. आज तुम्हारे आंसर्स में गलतियां ही बहुत है. कैसे सॉल्व कर रहे हो, नोटबुक लेके नहीं सॉल्व कर रहे हो? ओके, डी 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 डी. अच्छा, डी 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 डी. खुशप्रीत कह रहा है बी, पीयूष बी, बाकी सभी डी, हर्ष भी बी. अगर पेपर में आ जाएगा ब्रह्मजोत फिर क्या करोगे बताओ? दो नंबर चले जाएंगे ना. चले, एक बी और एक डी में कंफ्यूजन है. कोई कह रहा है 5, कोई कह रहा है 35. चेक करते हैं क्या आंसर होगा. अमित ट्रेवल 15 किलोमीटर ईस्ट वर्ड. ईस्ट वर्ड का मतलब होता है कि अमित जो है 15 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है. आगे देखो क्या लिखा है, देन टर्न्ड लेफ्ट. यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो भाई ईस्ट की तरफ जा रहा है. लेफ्ट टर्न कहाँ होगा? ये होगा मेरा लेफ्ट टर्न. आगे देखो, एंड ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर. यहां से उसने चला 5 किलोमीटर. आगे देखो, देन टर्न्ड लेफ्ट. अब नॉर्थ में उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला? वो चला 15 किलोमीटर. लेफ्ट टर्न लेके 15 किलोमीटर चल गया, मतलब यहीं तक आ गया. सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने. अब देखो क्या लिखा है, हाउ फार वॉज अमित फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट से, ये स्टार्टिंग पॉइंट था ना आपका, स्टार्टिंग पॉइंट से अमित जो है कितनी दूर है? तो भाई कितनी दूर है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पड़ी है ना कि लेंथ इसकी 15 है, ये नीचे वाला पोर्शन भी 15 है. तो ऑब्वियस अगर ये वाला पोर्शन 5 होगा तो ये वाला पोर्शन भी कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए. तो 35 कैसे आ रहा है? ऐड कर दिया. यहां से घूम फिर के जाएगा वो बेचारा, जब उसको छोटा सा डिस्टेंस दिख रहा है. यहां से यहां तक जाना है उसने, जरूरी है वो पूरा घूम फिर के जाए? यहां तक नहीं, डायरेक्ट चला जाएगा सीधा. समझ आया? सो द आंसर विल बी 5, 35 नहीं होगा. एम आई क्लियर? अभी बताया मैंने मकसूद. हाँ जी, वी हैव टू टेक डिस्प्लेसमेंट. समझ आ गया? द आंसर विल बी 5 किलोमीटर्स. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करिए जल्दी से, आंसर बताइए क्या आएगा आंसर. बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा. क्यों दीपक, ऐसा क्यों कह रहे हो? अच्छा, 7th को रिपीट करूं मकसूद? अभी 8th हो जाए फिर 7th रिपीट कर देती हूँ. ठीक है, सूरज देखती हूँ मैं, हर एक बच्चे का चैट बॉक्स में आंसर देखती हूँ मैं. चलो जी, किसी का 4, किसी का 5, अभी भी आंसर अलग अलग. रमजोत कह रहा है 4 होगा, देन अंशुल 4, सुखजीत 5,
हर्ष कह रहा है 3 3 यानी 4 किलोमीटर होगा, पायल कह रही है 5 किलोमीटर होगा, खुशप्रीत कह रहा है 4 किलोमीटर, पायल 5, बिजेंदर 5, दीपक 5, थिम्पल 5, शशिकांत 4, अंश 5। चलो जी, 4 और 5 में इतनी कंफ्यूजन। चलिए बच्चे, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन को सॉल्व। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।